तो कितना अच्छा है, कि कैसा अनुभव रहा आपका? कैसा चिता रहे हो? अच्छा चिता रहे हो? अच्छा चिता रहे हो, बहुत अच्छा चिता रहे हो। आनंद ठुमको लगाओ। मैं पहाड़न मेरे ठुमका पहाड़ी मेरी रंगीली पिछड़ी। कौन देख रहा है, शर्म लग रही, नाच तो कर रहे हैं अभी चार बार रेलवे स्टेशन पर। और बब्बू और हमारे जवाई जी हमें पिक करने के लिए आए हैं। अब हम लोग जाएंगे अयोध्या के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ये बैग उधर ही जाए पुल। ट्रेन में चढ़ते चढ़ते सब मोटा गए, हम सब के मुंह सूज गए। बोलो फिर, फूल गए, फूल सब। अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमारी जर्नी का जरूर बताएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर कल से आपको बहुत अच्छे अच्छे डेली अपडेट देते रहेंगे। बहुत प्यारा प्यारा सा यहाँ का पूरा आपको दृश्य देखने को मिलेगा, जो भी उसका सारा आपको लाइव भी दिखेगा और कुछ आपको ब्लॉग के माध्यम से भी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का इतना ही, तो तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। अभी चार बार रेलवे स्टेशन पर। और बब्बू और हमारे जवाई जी हमें पिक करने के लिए आए हैं। अब हम लोग जाएंगे अयोध्या के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ये बैग उधर ही जाए। दोस्तों जय श्री राधे राधे, नमस्कार। करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। तो हम सब बढ़िया हैं, कैसे हैं आप? तो दोस्तों स्वागत है आपका लीला जोशी फैमिली ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत काफी लंबे टाइम के बाद हो रही है। आपको पहले जो वीडियो देखे कुछ महिला संगीतों के, कुछ भागवतों के देखे, तो आज मैं घर से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। आज ब्लॉग स्टार्ट करने का रीजन ये है कि आज हम जा रहे हैं कहीं टूर पे भगवान जी के मंदिर में। तो आप लोग बने रहे, मैं हो गई हूँ रेडी और पूरा लगेज कल दो तीन दिन से काफी समय से हमारी तैयारियां चल रही थी। तो सामान वगैरह पूरा तैयार है, तो अभी जाएंगे। आज है सैटरडे और सैटरडे को हमारा यहाँ से टिकट, सॉरी बागेश्वर से हम निकलेंगे हल्द्वानी की तरफ को। हल्द्वानी से भी आगे को कहाँ जाना है और क्या क्या होता है बीच में, और थोड़ा आपको पहाड़ों का सफर भी देखने को मिलेगा। तो बने रहे मेरे साथ में, जय श्री राधे राधे। हम लोग बैठ चुके हैं बस में और ये है हमारी दीदी, कादर से आएंगे और पीछे से आएंगे हमारे क्या महिलाएं हैं। और हमारा सफर हो गया है शुरू। बाबा बागनाथ जी के नाम से हम लोग चल रहे हैं और राम जी के नाम से अयोध्या को हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पहाड़ों की खूबसूरत सी वादियों के, हसीन सी वादियों का आनंद लेते हुए। फिलहाल बागनाथ तक आपको पहाड़ देगा, तो आनंद लीजिए आप। पहाड़ों का सफर और कोहरे से भरा हुआ है पूरा पहाड़। आज कोहरा लगा है पहाड़ में, कहीं धूप है तो कहीं कोहरा लगा हुआ है। हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी, पहाड़ों का खूबसूरत है सफर। घंटे का सफर कंटिन्यू करके बागेश्वर हम भी पहुंचे हैं। खड़ा में हम लोग खाना खा रहे
लोगों में देखा होगा आप लोगों ने। तो आज हम लोगों का सफर है अयोध्या तक का। तो अभी यहाँ पर कुछ चाय पानी वगैरह हम लोग पी लेते हैं। सिर्फ पकौड़ियाँ वैसा बना रहे हैं पकौड़ी। हाँ क्या हो, यहाँ पर पकौड़े बन रहे हैं। बैठ गए हम लोग खाना खाने। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं नीम करौली महाराज जी की मंदिर पे। हम अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग हैं बस पे। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है देखिए। श्रद्धालुओं की भीड़ लगे नीम करौली महाराज जी के मंदिर में। तो इसी की वजह से जाम जो हो प्रभु प्रभु दया निधान आपके शरण में। तो आप भी दर्शन कीजिए, काफ़ी बसें जा रही हैं, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि तो देखिए कितने श्रद्धालु हैं, पूरे लाइन लगी है श्रद्धालु की मंदिर में दर्शन करने के। आप बताओ आजकल कहाँ से आ रही है बच्चे के पता नहीं है। हाँ अभी यहाँ सब ठीक है। हाँ वो बच्चे गाड़ियों की भीड़ देखिए कितनी गाड़ियाँ आई हैं। दोस्तों 7 घंटे का सफर करके हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी खाट गोदाम पे। और हमारी सारी टीम हमारी पहुंच चुकी है हल्द्वानी खाट गोदाम। ये देखो आ रहे हैं वेट अपने ट्रेन का। ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बहुत टाइम पे पहुँचे क्योंकि लग रहा था जाम, कैंची धाम वगैरह में जाम लग रहा था। इसके चलते हम लोग आ गए थे टाइम पे। हम लोग निकल गए थे 9 बजे बागेश्वर से। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं 5 बजे यहाँ रेलवे स्टेशन पे। हमारी ट्रेन है 9 बजे की, तो तब तक हमें वेट करना है। तो इंतज़ार करते हैं और चलक भी हो रहा है। पता नहीं हमें एहसास नहीं है कि ये ट्रेन है या हम कहीं भूकंप में जा रहे हैं। हाँ ये देखो ये हमारी भगवती आंटी यहाँ पर सोई हैं। और ये समा आगे आ रही है ये ट्रेन में जा रही है। पता नहीं कुत्ते की पूंछ में बैठ के जा रही है, इसको कोई आइडिया अंदाजा ही नहीं आ रहा। तू जा कुत्ते पूंछ में, मैं घर में बैठी हूँ आज। और ये है हमारी धीमा जी बैठे इस साइड को, इस साइड को ताई जी बैठी हैं। अच्छा ऐसा हो रहा है। हेलो टाटा करो बाय बाय। कोई नहीं वीडियो बनी ब्लॉग बन रहा। ये है हमारी आंटी और यहाँ है हमारी भाभी को दीदी। और इधर है हमारी दीदी जी, ये है हमारी दीदी जी। सब लोग रेस्ट में हैं। हेलो गाइस 11:22 चलो चलो गुड नाइट। आप से जाओ 11:22 पुल
ट्रेन में चढ़ते चढ़ते सब मोटा गए, हम सबके मुंह सूज गए। बोलो फिर अब फूल गए, फूल सब फूल गए। तो गले में भी दर्द हो गया, मुंह बड़े बड़े दमड़ जैसे हो रहे, दमड़ जैसे हो गए, चमड़ जैसे। एक चमा बैठी है ऊपर, दिन रात वीडियो कॉलिंग करने में लगी है, पैसे गिनने में है, पैसे गिनने में लगी है। मैं तो जदू को डबल, जितने भाई लोगों ने मम्मी ने पैसे दे रखे जैसे ट्रेन मणि मन हिली जी रहे, भूकंप लाइट बंद कर दो, इतने मजे आ रहे हैं, सब लोग अभी बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, हम लोग अपने स्टेशन का पहुँचने वाले हैं। हम लोग नैसा डबल सना जरा ढंगल गेण बजा हमारा, हम उनको सारा पर पकड़नी छना सना लीजिए ना, हमने पड़ 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 के लाग रहे लोग हमारी दूसरी। हेलो गाइज, हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या। आंटी जी नींद आई नहीं आई? हाँ आती नहीं, हाँ वो तो मुझ में तो मैं भी पहुँचने। जाहे विधि रखे राम वाहे विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। राखे राम वाहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम वाहे विधि। देखो मैडम जी, मैं हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद नाम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विधि राखे राम। अभी चार बार रेलवे स्टेशन पर और बब्बू और हमारे जवाई जी हमें पिक करने के लिए आए हैं, अब हम लोग जाएंगे अयोध्या के लिए। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये बैग उधर ही जाए। तो अभी हम लोग बागेश्वर टू हल्द्वानी, हल्द्वानी से फिर हम लोग सीतापुर, काठगोदाम से सीतापुर तक हम लोग ट्रेन का सफर किया, फिर सीतापुर से हम अभी लखनऊ यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हैं। तो वहाँ की भी रेल हमारी कैंसिल हो चुकी है क्योंकि सारी रोड डाइवर्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हमें फिर सफ़र अभी शायद गाड़ी में ही करना पड़ता, बस से ही सफ़र करना है क्योंकि सारी ट्रेनों की रूट पूरी चेंज हो चुकी हैं। तो इसीलिए जो भी यात्री आए, मतलब अपनी पूरी कंफर्म टिकट करके आए, हमने सोचा क्या था, पहले नहीं था कंफर्म कि मतलब जाएगी, सब लोगों ने कहा, तो यहाँ आके पता चला कि ये सारी ट्रेनें डाइवर्ट हो गई हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। तो जो भी ट्रेवल करें तो मतलब अपने सोच समझ के करें, पहले अपनी पूरी जानकारी ले लें, उस हिसाब से आप लोग ट्रेवल करें ताकि आपको ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और हम पूरे लोग आए हुए हैं, 18-19 लोगों का हमारा बैच है अयोध्या जाने के लिए। तो हम लोग को जाना था पहले काठगोदाम, काठगोदाम से हमारी ट्रेन थी लखनऊ तक, फिर लखनऊ से थी हमारी अयोध्या तक। तो दोनों ट्रेनों का पूरा डाइवर्ट हो चुका है, तो हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो पूरे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, वो जो यहाँ से जानी थी, लखनऊ से जानी थी अयोध्या, तो वो जा रही है बनारस। तो हम लोग हो रहे हैं परेशान, अब हम बस का इंतज़ार कर रहे क्योंकि बनारस हमारे लिए पड़ रहा है उल्टा। तो अयोध्या तक का हम लोग सफ़र फिर शायद बस में ही हमें करना पड़े, वापसी का भी हमें नहीं मिल पा रहा क्योंकि रिजर्वेशन मिलता तो फिर भी उसमें भी वही रूट चेंज होना था। तो सब लोग वेट कर रहे हैं, देखिए कितनी परेशानी हुई है। मैं पहाड़न, मैं रटू का पहाड़ी, कौन
कितना अच्छा है, कैसा अनुभव रहा आपका? कैसा चिता रहे हो? अच्छा चिता रहे हो, बहुत अच्छा चिता रहे हो। ठुमका लगाओ। मैं पहाड़न मेरे ठुमका पहाड़ी मेरी रंगीली पिछाड़ी। हम देख रहे हैं शर्म लग रही, नाच तो कर रहे हैं। कुछ भी मिला लखनऊ में खाने को, अदरक खा रहे हैं। ये मेरा बैग है, ये चेन फट गई है और मैं परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा हुआ। यात्रा का, यात्रा के मजे ले रहे, बहुत मजा आए। मजे इतने भजन करे, इतने कीर्तन कीर्तन मजा आए। बस ट्रेन की वजह से थोड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि थोड़ा बस का अच्छा ही हुआ, मजा आए। मतलब ये है कि मतलब अगर ट्रेन डाइवर्ट हमारी नहीं हुई होती तो हमें और अच्छा लगता, क्योंकि हमें इतनी रूट चेंज नहीं करनी पड़ती, इतने लगेज का प्रॉब्लम नहीं होता ना। और ये है हमारे लीडर मैडम, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का, बहुत अच्छा हो रहा है। सफर का आनंद हर चीज का अनुभव होना चाहिए। अरे भाई लोग तो आए हुए हैं। तो दोस्तों हमारी हो गया ट्रेन कैंसिल, अब हम फिर बाया बस में जा रहे हैं। पहले आए थे हम रेलवे स्टेशन, अब हम जा रहे हैं बस स्टेशन। हम घूमने में हैं, हम घूमने में हैं। अयोध्या के लिए रवानगी चल रही हमारी। तो फाइनली दोस्तों हमने सोचा कि शायद जा रही होगी ट्रेन, तो ट्रेन हो चुकी है कैंसिल, बनारस को जा रही है ट्रेन। तो फिर हमारे लगे जा रहा है आगे रिक्शे में और हम लोग चल रहे हैं पीछे पीछे। हाँ कोहरा छाया हुआ है काफी, जैसे हम लोग सोच रहे थे कि मतलब प्लेन से ठंडा नहीं हो रहा, ठंडा पहाड़ों के बराबर है, यहाँ भी ठंडी काफी है, कोहरा अभी तक छटा नहीं है देखिए। लेकिन ट्रेन में अच्छा लग रहा है, ट्रेन हमारा एसी वाला था, अच्छा लग रहा था। गए हैं केमू स्टेशन, जहाँ हमें उतरना था अयोध्या पे, तो वहाँ नगरी पे, वहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं काशीपुरम पे, जहाँ हमारा प्रोग्राम होना है, जहाँ हमें जाना है। तो हम लोगों ने 5 ऑटो ले लिए हैं, अब हम लोग ऑटो के माध्यम से जा रहे हैं अब अपनी जहाँ पे हमने रुकना ठहरना है। तो हम लोग लगे हैं रास्ता, भाभी जी हैं, आंटी जी हैं, सब लोग। तो दोस्तों हम फाइनली हम लोग जहाँ अपने डेस्टिनेशन में हम पहुँच चुके हैं और अपने जगह पे पहुँच गए हैं। बहुत अच्छी सुविधा है, ऐसी सुविधा होगी हमने हाँ सोचा भी नहीं था, इतना प्यारी व्यवस्था करी है। ये देखिए बहुत सुंदर सी व्यवस्था की है। तो यहाँ पे है हम लोग की खाने की व्यवस्था, हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पे है खाना बन रहा है नहीं तो। और पीछे आपको पूरे पत्तलों के ढेर, मतलब जो खाने के लिए पत्तल रखे हुए हैं। जय श्री राम, महाराज जी। बस इतने लोग आए अभी और। तो हम लोग अभी भोजन करके आ गए हैं, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी, मतलब अपने घर का सब स्वाद आया था। खाना कद्दू की सब्जी, रोटी और दाल अरहर की घर की जैसी, और चावल बना, हलवा बना था, बहुत टेस्ट मस्त। और हम लोग खाना खा के आगे हैं, कद्दू की सब्जी खाई हमने, खूब दाल भी घुमाई, बहुत सुंदर सी। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे गैया दिखाई, कितनी प्यारी सी गैया, सब बने थे यार, घी में बनी थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को गाय दिखा दी, बहुत प्यारी हमने खाई, कितनी सारी गाय, पूरी गाय। तो दोस्तों आज हम पहुँच चुके हैं अयोध्या।
ही है। वो अभी आया है, उसका नाम अभी हम नहीं पूछ पाए। अच्छा, दूर से देखो ना तुम, चिपक के थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। वो नेपाल से हिमालय का अभिषेक के लिए, ये कहाँ से आया ये कहाँ से? जय श्री राम लिखा है बस, हमें पता नहीं, अभी रख के गए हम वहाँ से। अच्छा, पंडित जी बता रहे हैं, जो भी आपको इतने कलर्स दिख रहे हैं पूरे भर के सारे जगहों के लोगों ने इसमें घी यहाँ के लिए दान दिए है, पूरा रामलला जी के लिए पूरे घी भरा हुआ पूरा, मतलब भगवान नंदी के लिए इतना कुछ, और लोगों ने सिखा देखिए, कुछ नहीं कह सकते हम इसके बारे में, मतलब वर्णन करना ही, मतलब जैसे राम भगवान ऐसे। अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमारी जर्नी का जरूर बताएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर कल से आपको बहुत अच्छे अच्छे डेली अपडेट देते रहेंगे। बहुत प्यारा प्यारा सा यहाँ का पूरा आपको दृश्य देखने को मिलेगा, जो भी उसका सारा आपको लाइव भी दिखेगा, और कुछ आपको ब्लॉग के माध्यम से भी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का इतना ही। तो तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।